ever felt betrayed. Switches how you see things. Realize something needs change. तो हमारे इस टाइम तो मटेरियल में हमारा टॉपिक चल रहा था सिंपली सपोर्टेड बीम। इसमें से हमने एक केस देख लिया था पॉइंट लोड वाला, ठीक है। आज हम बात करेंगे यूडीएल, जब हमारे सिंपली सपोर्टेड बीम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी यूडीएल एक्ट कर रहा हो तो हमारा शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसा बनेगा। तो ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पे डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर का एक यूडीएल लोड लग रहा है, ठीक है। इसकी लेंथ है एल। तो हमें पता है जब भी हमें यूडीएल लोड दे रखा हो तो इसमें टोटल लोड हम कैसे फाइंड करें। तो जितना भी आपको यूडीएल लोड दे रखा है उसको ले लीजिए और जितनी लेंथ पे लग रहा है उसको ले लीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए, हमारे पास आ जाएगा टोटल लोड। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल लोड है डब्ल्यू, ठीक है। तो हमें पता है सिंपली सपोर्टेड बीम है तो रिएक्शन तो आएगी इसमें, ठीक है। तो ये रिएक्शन किसके इक्वल होगी, जितना आपको टोटल लोड दे रखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू एल, क्यों, क्योंकि डब्ल्यू एल ही हमारे पास टोटल लोड है, ठीक है। अब आर ए या आर बी इन दोनों में से किसी एक को कैलकुलेट कीजिए और इस इक्वेशन से दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट जीरो लेंगे। तो मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो इन दोनों में से किसी एक के अबाउट मूवमेंट जीरो लेंगे। तो हम लेते हैं ए के अबाउट जीरो। अब हम कंसीडर करते हैं जो भी ये अपवर्ड फोर्स है इनको तो पॉजिटिव, और जो ये डाउनवर्ड फोर्स है इनको हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव, और आप इसके उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में उनके साइन कन्वेंशन के अनुसार ही हम साइन लेते हैं, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसकी रिएक्शन। तो आपको ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, यानी मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स हमारे पास आर बी, डिस्टेंस एल, तो यहाँ पर आ गया आर बी इंटू एल, ठीक है। अब हम इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं कि टोटल लोड है वो सेंटर में लगेगा कितना, डब्ल्यू एल। ये वाली डिस्टेंस है एल बाई टू, ये वाली एल बाई टू, ये वाला हमने कैलकुलेट कर लिया सेंटर तक, ठीक है। अब हम पहुंच गए इस सेंटर तक, तो अब ये क्या होगा, डब्ल्यू एल, और डिस्टेंस कितनी है एल बाई टू, क्योंकि मूवमेंट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। हमने इसको नेगेटिव कंसिडर क्यों किया, क्योंकि हम मान रहे हैं जो भी डाउनवर्ड फोर्स है वो नेगेटिव है, तो ये आ गया माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, ठीक है। अब आगे इसको और सोल्व करें तो ये नेगेटिव है इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव, और एल से इसकी एक कट जाएगी, तो फाइनल वैल्यू आएगी आर बी की डब्ल्यू एल बाई टू। अब हमारे पास आर बी की वैल्यू आ चुकी है और तो ये इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल, और आर बी की कितनी आई थी डब्ल्यू एल बाई टू, इधर करेंगे तो ये नेगेटिव की डब्ल्यू एल बाई टू, तो आर ए की भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पॉजिटिव की डब्ल्यू एल बाई टू। तो हमारे पास आ गई है आर बी और आर ए की वैल्यू, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे शियर फोर्स, तो हमारे पास आई थी दो वैल्यू आर ए और आर बी की। अब हम कैलकुलेट करेंगे शियर फोर्स डायग्राम, तो इसके लिए हम क्या करते थे, एक सेक्शन लेते थे। तो मान लीजिए ये सेक्शन है एक्स एक्स, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा बी, इसका कहीं सेंटर है सी, और ये पॉइंट है हमारा ए, तो इसकी यहाँ से दूरी एल बाई टू और यहाँ से एल बाई टू, ठीक है। और इस सेक्शन से बी की दूरी है एक्स मीटर, ठीक है, और यहाँ पर लोड लग रहा है डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर का। तो इस सेक्शन से और इस बी पर टोटल लोड कितना लग रहा है, तो मैंने कहा था जितना लोड और उतनी डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करिए और आपके पास आ जाएगा टोटल लोड, तो यहाँ पर लग रहा है डब्ल्यू एक्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे शियर फोर्स की वैल्यू, तो शियर फोर्स के लिए हम क्या देखते थे, राइट साइड में देखो जितने भी फोर्स है उनका एलजेब्रिक सम यानी साइन के साथ, तो हम क्या करेंगे आर यू एन का यूज करेंगे, यानी राइट अपवर्ड को तो हम लेंगे नेगेटिव और राइट डाउनवर्ड को हम लेंगे पॉजिटिव। तो इससे इक्वेशन क्या होगी, हम राइट साइड में देखेंगे, शुरुआत में हमें दिखा ये आर बी, वो भी कौन सा अपवर्ड, तो ये होगा नेगेटिव और यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है डब्ल्यू एक्स, तो ये इक्वेशन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। इसको नेगेटिव लिया क्योंकि ये अपवर्ड है और डब्ल्यू एक्स को हमने पॉजिटिव लिया क्योंकि ये डाउनवर्ड है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम पूरी इस थ्रू आउट द बीम में कहीं भी शियर फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ एक्स की वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो शुरुआत में हम बी से शुरुआत करते हैं, तो बी में एक्स की वैल्यू है जीरो, तो यहाँ पर जीरो रखा तो ये वाली टर्म तो पूरी हो जाएगी जीरो, बचा क्या माइनस आर बी, आर बी की वैल्यू हमारे पास है डब्ल्यू एल बाई टू, तो माइनस डब्ल्यू एल बाई टू। तो साथ में हम शियर फोर्स भी बनाते जाते हैं, तो बी पॉइंट पे हमें वैल्यू मिली माइनस का डब्ल्यू एल बाई टू, यानी शियर फोर्स डायग्राम नीचे की तरफ जाएगा कितना, माइनस डब्ल्यू एल बाई टू तक, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सी पॉइंट पर, यानी एक्स की वैल्यू अब कौन सी पुट करेंगे, एक्स बराबर एल बाई टू रखेंगे। तो एक्स बराबर एल बाई टू रखा तो आर बी की वैल्यू तो हमें पता है डब्ल्यू एल बाई टू है, नेगेटिव आ जाएगी, और एक्स की जगह हम क्या रखेंगे एल बाई टू, तो एक तो नेगेटिव का है एक पॉजिटिव का, तो आपस में कैंसिल आउट होकर हमें सी पर वैल्यू मिलेगी जीरो। तो डायग्राम शियर फोर्स का सी इक्वल टू जीरो। अब हम बात करते हैं तो एक ए पर हमें पता है ऐसे ही डब्ल्यू एल बाई टू आएगी, लेकिन हम वैल्यू रख देते हैं ए पर, कितनी वैल्यू रखेंगे एक्स की एल, तो जैसे एल रखी तो
ये हो जाएगा डब्ल्यू एल पॉजिटिव का, एक है नेगेटिव का, तो ए पर हमारी वैल्यू आई डब्ल्यू एल बाई टू, तो ये चला जाएगा डब्ल्यू एल बाई टू तक, अब ये वापस कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आई हमारी डब्ल्यू एल बाई टू। तो ये तो हुआ शियर फोर्स डायग्राम की बात। अब हम बात करेंगे बी एम डी। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट करने से पहले हमें शियर फोर्स की वैल्यू वापस लिख लेते हैं। तो बी पर मिली थी हमें माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, ठीक है, और इसकी सी से डिस्टेंस थी एल बाई टू, और ए पर मिली थी हमें पॉजिटिव की डब्ल्यू एल बाई टू, और सी से इसकी डिस्टेंस थी एल बाई टू, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट था बी, ये हमारा पॉइंट है सी, और ये पॉइंट था ए, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हम कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पढ़ा था, किसी भी दो पॉइंट के मोमेंट का डिफरेंस इक्वल होगा उन्हीं दोनों पॉइंट के शियर फोर्स डायग्राम के एरिया के, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में हम यूज करते हैं एम बी और एम सी को, ठीक है। तो इसका शियर फोर्स डायग्राम का एरिया ये होगा हाफ मल्टीप्लाई एल बाई टू माइनस माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, वो भी नेगेटिव की, और एम सी भी नेगेटिव का है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमें जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव की मिलेगी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट। ये वैल्यू आई है सी पर, क्योंकि एम बी तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो बी पर तो डिस्टेंस ही जीरो है, तो मूवमेंट बी पर हमें मिलेगा जीरो, ठीक है। अब हम बात करते हैं सी और ए पॉइंट की, वापस इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, और ये ट्राइंगल है तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई टू, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट पॉजिटिव की, और एम सी की वैल्यू हमारे पास है पॉजिटिव की डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, लेकिन ये इस साइड जाएगी तो ये हो जाएगी नेगेटिव। तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट होकर एम ए की वैल्यू हमें मिलेगी जीरो। तो हमारे पास दो वैल्यू आई है, एक तो एम ए की जीरो और एक एम बी की जीरो, ये दोनों आई थी हमारे पास जीरो, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू आई थी हमें सी पॉइंट पे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट। तो जब भी हमारा शियर फोर्स डायग्राम ट्राइंगल या लीनियर बनता है तो हमें पता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा पहला पैराबोलिक ही बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसा होता हुआ आपको कुछ दिखेगा, ठीक है, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आई थी सी पर, कितनी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट। तो ये हमारा हुआ सिंपली सपोर्टेड बीम में जब यूडीएल एक्ट कर रहा हो तो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने कैलकुलेट करना सीखा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले केस की। अगला केस है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम में मूवमेंट एक्ट करे तो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके से बने। तो ये हमारी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें एक एम मूवमेंट लग रहा है, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में हम क्या करते थे, सबसे पहले टोटल लोड देखते थे, तो यहाँ पर किसी भी टाइप का लोड नहीं है, तो टोटल लोड हमारा इक्वल होगा जीरो के, ठीक है। अब क्या देखते थे, रिएक्शन इक्वल होती थी टोटल लोड के, तो यहाँ पर आर ए प्लस आर बी, टोटल लोड हमारा जीरो है, तो ये भी जीरो के इक्वल। अब हम किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते थे, ठीक है, तो हमने ले लिया ए के अबाउट मूवमेंट जीरो, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे रिएक्शन, तो रिएक्शन हमें पता है पहले आर बी मल्टीप्लाई एल, ठीक है। अब किसी भी सेक्शन पर अब राइट साइड में देखें तो एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट को हम लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है, और क्लॉक वाइज मूवमेंट को लेते हैं हम नेगेटिव। यहाँ पर एंटी क्लॉक वाइज है तो हमने मूवमेंट को ले लिया पॉजिटिव, यहाँ से आर बी की वैल्यू आ जाएगी एम बाई एल, उधर जाएगी तो ये हमें मिलेगी नेगेटिव की, ठीक है। ये वाली आर बी की वैल्यू हम पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो ये नेगेटिव है, ये जीरो के उस साइड जाएगी तो पॉजिटिव की, तो आर ए की वैल्यू हमें मिलेगी पॉजिटिव की एम बाई एल, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं शियर फोर्स की, तो हमारे पास आई थी दो रिएक्शन आर बी और आर ए, आर ए की वैल्यू आई थी पॉजिटिव एम बाई एल और आर बी की वैल्यू आई थी नेगेटिव एम बाई एल, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं शियर फोर्स की वैल्यू, तो इसके लिए हम लेते हैं एक सेक्शन और इसके राइट साइड में जितने भी फोर्स हैं उनको कैलकुलेट कर लेते थे उनके साइन के साथ। तो हमें पता है आर यू एम से हम साइन कैलकुलेट करते हैं राइट अपवर्ड नेगेटिव, जितने भी राइट साइड में अपवर्ड फोर्स होंगे उनको हम कैलकुलेट करेंगे नेगेटिव से और डाउनवर्ड को पॉजिटिव में। तो राइट साइड में मुझे ए की फोर्स दिख रहा है वो भी अपवर्ड, तो इसको इस सेक्शन के अलोंग हम लेंगे नेगेटिव, तो सेक्शन एक्स एक्स के पर हमें मिलेगा माइनस आर बी, ठीक है, और आर बी की वैल्यू हमारे पास आई थी नेगेटिव की माइनस एम बाई एल। तो एक नेगेटिव तो ये फॉर्मूला वाला और एक नेगेटिव ये माइनस एम बाई एल वाला, ठीक है। तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे पॉजिटिव का एम बाई एल, ठीक है। और पूरी बीम में आप कहीं भी सेक्शन ले लीजिए आपको सिर्फ ये ए की फोर्स दिखाई देगा, ठीक है, आर बी, और एक मूवमेंट है जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि शियर फोर्स में हम सिर्फ फोर्स को ही देखते हैं, ठीक है। तो हम शियर फोर्स डायग्राम में सिर्फ हमें मिलेगा पॉजिटिव का एम बाई एल, तो ये डायग्राम इस ऊपर जाएगा और पूरे थ्रू आउट द बीम कॉन्स्टेंट चलता रहेगा, ठीक है। तो शियर फोर्स की वैल्यू आई हमारे पास पॉजिटिव की एम बाई एल। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की, तो शियर फोर्स की वैल्यू आई थी एम बाई एल, ठीक है, और सेंटर वाला पॉइंट है सी और ये वाली डिस्टेंस है एल बाई टू, ये वाली डिस्टेंस है एल बाई टू, ये पॉइंट है हमारा बी और ये पॉइंट है हमारा ए, ठीक है।
तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करें तो फॉर्मूला हमें पता है, किन्हीं भी दो पॉइंट के मोमेंट का डिफरेंस इक्वल होगा उन्हीं दो पॉइंट के शेयर फोर्स डायग्राम के एरिया के, ठीक है। तो बी से सी वाले इस बार है ट्राइंगल नहीं है रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसका शेयर फोर्स का एरिया होगा एम बाई एल मल्टीप्लाई एल बाई टू, ठीक है। और एम बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो क्योंकि डिस्टेंस होगी जीरो। तो एम सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस एम बाई टू क्योंकि एल से एल कैंसिल आउट और माइनस है तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास एम सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो एम सी तक हम सी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। तो बी पर तो आई जीरो, तो ये जीरो से स्टार्ट होता हुआ सी एफ फोर्स डायग्राम जब भी रेक्टेंगल होगा तो हमें बेंडिंग मूवमेंट ट्राइंगल मिलेगा, ठीक है। तो सी तक ये ऐसी वैल्यू आएगी। अब हमें सी के थोड़ा सा लेफ्ट में हमें एक मूवमेंट देखने को मिलेगा वो भी एंटी क्लॉक वाइज। तो हमें पता है एंटी क्लॉक वाइज होगा तो इसको हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव। तो एक तो सी के थोड़ा सा राइट में तो हमारे पास मूवमेंट है माइनस एम बाई टू और उसके लेफ्ट पर जाए तो पॉजिटिव का एम है। तो इससे हमें ये मिलेगी कि दोनों की वैल्यू पुट करो तो फाइनल रिजल्ट आएगा माइनस एम बाई टू पॉजिटिव का एम, तो हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव का एम बाई टू वो भी सी डेस पर। तो ये पॉजिटिव की तरफ एम बाई टू ऊपर जाएगा सी डेस वाले पॉइंट पर, ठीक है। अब हम सी डेस और ए पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। तो वापस रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया एल बाई टू एम बाई टू, ठीक है। और सी डी एस पर हमें वैल्यू मिली थी पॉजिटिव की एम बाई टू, तो इस साइड पर आएगी तो हो जाएगी नेगेटिव और हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी जीरो। तो वापस ये ए पर कनेक्ट हो जाएगा। और हमें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वाला एरिया नेगेटिव का, ये वाला है पॉजिटिव का। तो जब भी आपका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम साइन चेंज करे यानी पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाए तो इस वाले पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम इधर ही करते हैं एंड।